जैसे ही रुत बदली, स्कूल जाने वाले बच्चों के वालदैन को भी उनके गर्म मलबूसात के हवाले से परेशानी लाहक होना शुरू हो गई। और इस परेशानी में उस वक्त और भी इजाफा हो गया जब मार्केटों का रुख करने वाले वालदैन ने देखा कि मौसम सरमा के यूनिफॉर्म गुज़श्ता साल की निस्बत 50% तक महंगे कर दिए गए हैं। वालदैन यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं। बहुत मुश्किल होता है, फिर भी लेके देते हैं क्योंकि बच्चे बगैर यूनिफॉर्म प्रॉपर ना जाएं, प्रॉपर यूनिफॉर्म बिठाते नहीं है टीचर, क्लास में मिनिमम स्टडी नहीं करने देते हैं। हूँ आए हैं वर्दी लै चले तो हूँ फिर बाद चाहे कोटा वोटा वास्ते पैसे फिर लैके 1000 का कोट सुना दे, 1250 का 1200 तक दसते पैने, फिर आवेंगे पैसे लैके फिर लैके जावे कोट। दुकानदारों का कहना है कि यूनिफॉर्म साल में सिर्फ एक बार ही फरोख्त होते हैं, बाकी अरसा ये गोदामों में पड़े रहते हैं, इसलिए इनकी लागत बढ़ जाती है। मौसम सरमा के यूनिफॉर्म तैयार करने वाली कंपनियां भी मुनाफा ज्यादा वसूल करती हैं, लेकिन कीमतें इतनी भी ज्यादा नहीं जिस कदर वालदैन ने शोर मचा रखा है। पहले की नस्बत है ना, बच्चों का सैलरी भी बढ़ जाते हैं, फिर कीमतें भी बढ़ जाती हैं, तो कस्टमर यही कहता भाई कितना महंगा हो गया। वो ये नहीं देखता कि बच्चों मेरा पहला बच्चा था ना 5 साल का था, अब मेरा बच्चा 7 साल का है, तो 7 साल के बच्चों को बड़ा सैलरी आना, छोटा सैलरी नहीं आना, वो ये चीज का नौकरी नहीं करता, बस यही बात है। बच्चों के वालदैन का कहना है कि सर्दी की आमद आमद है, ऐसे में बच्चों को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए गर्म यूनिफॉर्म हर कीमत पर खरीदना इनकी मजबूरी है, और दुकानदार इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ नबील मलिक, सिटी 42।